हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने इससे पिछली वीडियो में करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी इज ए पैरेललोग्राम। एक फिगर दी हुई है हमें एच ओ पी ई, जो एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। इसके तीन एंगल ही हमें फाइंड करने हैं, एक्स वाई एंड जेड। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। इनको जब फाइंड करेंगे तो जोन सी भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको भी लिखना है। तो ये एक फिगर है एच ओ पी ई, इसमें ये एंगल हमें एक दिया है 70 डिग्री, एक ये एंगल दिया है 40 डिग्री एंड एक्स वाई और ये जेड ही हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे इजी हम एंगल निकालना तो इसमें एक्स है, तो हम एक्स को निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए हमें ये वाले एंगल, पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, और इस एंगल को निकालने के लिए हमें इसमें 70 डिग्री दिया है, इसकी हेल्प से हम ये एंगल निकाल लेंगे। इसका कोई नाम नहीं दिया है तो हम इसका एंगल का नाम लिख लेंगे एंगल वन। अब एंगल वन की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री दिया है और ये एक इस लाइन पर बने हैं, तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री हम इन दोनों के इक्वल में रखेंगे और इस एंगल वन को फाइंड कर लेंगे। तो एंगल वन प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका भी हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो लिख देंगे, ये हुआ लीनियर पेयर। एंगल वन तो हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, ये 70 इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो एंगल वन आ गया वन, और ये हो गए 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वन की हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट एंगल वन की वैल्यू आ गई, तो अभी हम इजी से ये एक्स निकाल देंगे। एंगल एक्स हो जाएगा एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वन। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वन अभी हमने निकाला है, कितना है 110 डिग्री, तो एंगल एक्स भी हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई को देखो कैसे निकालते हैं, ये एक यहाँ से इस टाइप से ये एक जेड बना हुआ है, जेड बना जैसे, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये वाली एंड ये वाली, और इसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हमको दिया है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री दिया है, तो ये भी हो जाएगा 40। रीजन में लिख देंगे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल हमारा वाई निकल जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन इसका लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट से ये तो नेक्स्ट है जेड। जेड को निकालने के भी इसके कई इसमें तरीके हैं, कई तरीकों से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, तो एक्स एंड ये वाला पूरा एंगल एडजस्ट एंगल हो गए, तो इस टाइप से भी हम इसको। अब जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, जेड की वैल्यू किस टाइप से फाइंड होगी। तो ये है हमारा एक ट्राइंगल एच ओ पी, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के सभी एंगल, ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री के होते हैं सभी एंगल का सम। तब ये एंगल एंड ये एंगल मिलकर बन जाएंगे 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हम इसी वाली प्रॉपर्टी से यहाँ जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल एच ओ पी एंगल जेड प्लस एंगल वन प्लस एंगल वाई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी या सम ऑफ ऑल
एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। हमें एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल जेड को ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल वन की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल वाई की वैल्यू थी 40 डिग्री, इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। एंगल जेड प्लस 110 और 40 हो गए 150 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री और ये इधर है प्लस का 150 डिग्री, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का। तो एंगल जेड की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 30 डिग्री, ये हमारी हो गई एंगल जेड की वैल्यू। तो एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड हमने फाइंड कर लिए हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।